इस तरह हमारी अपोजिशन ने जो बातें की और मुनासिब ये था कि इस कि इन बातों को जो है हुकूमती मेंबरान की तरफ से जवाब सुना जाता। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से हम जो है बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की असम्बली रवायतों की अमीन रही है और बाकी सूबों की असम्बली से बलूचिस्तान की असम्बली को मुनफरद हैसियत इसी वजह से हासिल था कि जनाब स्पीकर बात कर रही सही सही जनाब स्पीकर अगर बोल देते तो मैं इनको जवाब दूं। सही सही सना भाई सही सना साहब जनाब स्पीकर जी जी मैं जनाब स्पीकर जिस तरह यहाँ इस असेंबली से शेम शेम की आवाजें आ रही हैं, जिस तरह हमारे एक मुअज्जज दोस्त जो है वो अपनी तफसील बता रहे हैं, बीच में खड़ा होके उनको जो है ठोकना या इस तरह के अल्फाज बयान करना, तो मैं अखलाकियात की जो है दर्ज ना दूं तो क्या दूं। जनाब स्पीकर, हमें हुकूमत करने का हक बलूचिस्तान के अवाम ने दिया है, हमें अपोजिशन ने नहीं दिए, हम जो हैं बलूचिस्तान के अवाम को दबाते हैं। जनाब स्पीकर अगर मुझे जनाब स्पीकर अगर अपोजिशन में हौसला हो तो मुझे कुछ सुने, आप लोग सुने। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हमने उनको दो दो घंटे सुना, जब हमें जवाब देने का मौका मिला है तो वो क्यों हमें बात नहीं करने दे रहे। सही बात तो सुने, आप लोग बात सुने। वक्फा सवाल पर आप लोग आए नहीं, आप लोग रूल की बात करते हैं, आप लोग किस रूल के, अभी तक कार्रवाई बाजाबता शुरू ही नहीं कराई गई आप लोग। जनाब स्पीकर, जिस तरह पीएचडीपी के मुतालिक हमारे दोस्तों ने सुने, पीएचडीपी से मुतालिक आपकी बात, जिस तरह पीएचडीपी के मुतालिक हमारे दोस्तों ने सवाल किए, जनाब स्पीकर आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो पिछले अदवा की बात नहीं करूँगा, मेरे दोस्त शायद कुछ नाराज हो जाए, लेकिन हकीकत यह है जो पीएचडीपी बनी है, जिस तरह बलूचिस्तान में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, जिस तरह वो चलाया गया है, उसको देखकर उसके मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह की जो है बेहंगम यहाँ पे एक प्लानिंग की गई है। जनाब स्पीकर, जब हमें हुकूमत मिली तो सबसे पहला जो हमारा टास्क किया था कि जी पीएचडीपी को किस तरह टू द पॉइंट, किस तरह उसको जो है प्रिसाइज और जिस तरह उसको जो है एक रेशनलाइज करें और ट्रैक पर ले आए, इस पे जनाब कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी जिसने जो है काफ़ी मेहनत की, अब जाके और पीएचडीपी जो है बेहतर हो गई है। जनाब स्पीकर, जो हमारे रिलीजेज हैं तकरीबन 33 अरब के जो रिलीजेज हो चुके हैं, इसके अलावा हमें जो यूटिलाइजेशन है उस पे भी हमारी मीटिंग्स हो गई हैं, उसको भी एक्सपराइट हो गया और तकरीबन चीज़ें जा रही हैं। जनाब स्पीकर, अब जो नए साल के पीएचडीपी जो बन रही है उसमें हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं, एक तो ये है कि जी उसमें जो वो सेक्टर्स जो पहले नेगलेक्टेड थे, जिस तरह इग्नोर थे, जिस तरह ये वुमेन एम्पावरमेंट है, इसी तरह आर्कियोलॉजी है, इसी तरह टूरिज्म है, इनको भी जो है पीएचडीपी में हम जगह दे रहे हैं। इसके साथ एक जो बड़ी डिवॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, पहले इस तरह यह था कि जी जो सारी प्लानिंग थी वो सिर्फ क्वेटा सिटी में होती थी, अब जो कि उसको हमने जो है डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर किया है, उसकी सबूत यह है कि जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड जो है वो डीसी को डिस्पोजेबल पे है, अभी वो उस पर टेंडरिंग प्रोसेस पे गई हुई है। दूसरी जनाब स्पीकर, जो पीएचडीपी को नई बनेगी उसमें सारे सेक्टर्स को जगह दी गई है और उस पर काम जारी है, और इंशाल्लाह ताला मैं पूरे असेंबली को, अपोजिशन मेंबरान को और पूरे बलूचिस्तान के अवाम को ये रेस्ट अश्योर कराऊँगा जो नई पीएचडीपी आएगी इंशाल्लाह ताला वो अवाम दोस्तों की, इसमें हम सब दोस्तों के जो हैं इनपुट शामिल होगी और जो प्लानिंग कमीशन ने जो रूल सेट किए हुए हैं उनके एन मुताबिक हम बना रहे हैं, वो किसी कोई डकी छुपी कोई काम नहीं हो रहा, और जब पीएचडीपी आएगी तो इंशाल्लाह अपोजिशन के लोग देखेंगे।